चलिए, सो हम नेक्स्ट अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लॉफ्ट कमांड पढ़ेंगे, कैसे यूज करना है, और उसके बेसिस पे हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसा आप देख सकते हो ऑयल कैन, ये बनाएंगे। पहले मैं लॉफ्ट कमांड एक्सप्लेन कर दूँ। लॉफ्ट कमांड एक्चुअल में क्या होता है, लॉफ्ट कमांड का यूज हम करते हैं अलग अलग क्रॉस सेक्शनल शेप के ऑब्जेक्ट्स को मिला के बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ यहाँ पे आप देखो तो ऊपर जो शेप है वो सर्कुलर सिलेंड्रिकल है। कैसे पता, ये साइड में दे रखा है 50 का डाया और 43 का डाया। नीचे का ये वाला जो शेप है ये इसको आया रेक्टेंगुलर शेप है 150 by 80 का। बट जो इनके दोनों के दरमियान में शेप है, मिडल पे जो बीच की प्रोफाइल है वो क्या है, ना ही रेक्टेंगुलर है ना ही सिलेंड्रिकल है। ऐसे शेप को बनाने के लिए हम लॉफ्ट कमांड का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉफ्ट कमांड के लिए पहले बेसिक शेप तो हमें बनाने पड़ेंगे, फिर हम कमांड देंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। टॉप व्यू में आप देखोगे तो ये 150 बाई 80 का रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है। मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। टॉप प्लेन पे स्केच पे गया मैं, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, ये लेंथ दे दी कितनी है, ये विड्थ दे दी कितनी है 80। कॉर्नर क्या हो रहा है इसके, राउंड लग रहा है। फिलेट कितने का, 10 रेडियस। फिलेट पे गए, 10 रेडियस सबको सेलेक्ट कर दिया, हो गया। विंडो से सेलेक्ट कर दिया, विंडो सेलेक्शन, स्केच से एग्जिट कर दिया। इसको किधर करना है वो आपकी मर्जी है, मैंने इसको नीचे कर दिया। वैल्यू ड्राइंग से देख के यहाँ पे देखी कितनी है, टोटल स्ट्रेट लाइन नहीं हुई 180। अब जो सिलेंड्रिकल प्रोफाइल है वो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो सिलेंड्रिकल प्रोफाइल और इस रेक्टेंगुलर प्रोफाइल के बीच में गैप है कितने का, 46 का। तो मैंने क्या किया, यहाँ से टॉप प्लेन जो था इसको मैंने ऑफसेट किया ऊपर कितना, 46 पे। अब ये ऑफसेट जो किया इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया। वो शॉर्टकट क्या है, आप जिस प्लेन का ऑफसेट करना है उसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल की को दबाए रखना है हमें, प्लेन के वर्टेक्स पे जाना है, दिख रहा है वर्टेक्स, कंट्रोल की को दबाए रखना है, प्लेन की लेफ्ट क्लिक, जी सर दिख रहा है, माउस के लेफ्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट करके मूव करना है ऊपर नीचे जहाँ पे भी चाहिए। फिर पहले क्लिक छोड़ना है, फिर कंट्रोल छोड़ना है। यहाँ से वैल्यू बताई कितना चाहिए हमें गैप। अब इस प्लेन पे स्केच पे गए हम, सेंट्रल लाइन बनाई हमने, यहाँ पे सर्कल बनाया एक, नीचे वाला सर्कल बड़ा था 50 का। गैप कितना है यहाँ से दे रखा है 40। एग्जिट किया, एक्सट्रूड कर दिया इसको 20 पे, प्लेन ऐड कर दिया। फेस पे गए, स्केच पे गए, सर्कल बनाया 43 का, एग्जिट किया, एक्सट्रूड किया 20। अब ये वाले नीचे वाले फेस पे स्केच पे गए, कन्वर्ट एंटिटीज बाहर आ गए स्केच से, बॉटम वाले फेस पे क्लिक किया, स्केच पे गए, कन्वर्ट एंटिटीज सर्किल। अब अगर मैं एक बात बताऊँ, सर्किल को बना के एक्सट्रूड करूंगा तो सिलेंडर बनेगा, रेक्टेंगल बना के एक्सट्रूड करूंगा तो वो क्यूबॉइड शेप लेगा, वो इस तरीके का शेप ले पाएगा क्या? मुझे क्या करना है, नीचे वाले शेप को इस वाले शेप के साथ बेंड करके बनाना है। तो ऐसे के लिए यहाँ पे हम चलेंगे, कमांड पे जाएंगे, लॉफ्ट कमांड पे गए। लॉफ्ट कमांड पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। मैंने स्केच पहले से बना रखे थे, कन्वर्ट करके बनाए रखे थे ना। अब आपने क्या करना है, प्रोफाइल में जाके स्केच को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हो गया, देखो ये वाला प्रोफाइल।
फिर दूसरे वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। अभी अगर मैं इसको लॉफ्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कैसा लॉफ्ट हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है। और हमें कैसा चाहिए, आर्क शेप में चाहिए, वो शेप यहाँ का इसका आ नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कट करते हैं। इस शेप के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं देखूँगा कैसे शेप में कनेक्ट हो रहा है ये। तो आप देखोगे ये स्पेशल लाइन से कनेक्ट हो रहा है इस तरीके से। सो अब मुझे ये कर्व्स बनाने पड़ेंगे। पहले ये कर्व बनाने के लिए प्लेन लेना पड़ेगा। मैं टॉप प्लेन में ये कर्व नहीं बना सकता क्योंकि टॉप प्लेन में सिर्फ यही एक प्रोफाइल आ रही है और वो जो कर्व्स हैं वो दोनों प्रोफाइल को कनेक्ट कर रहे हैं एंड टू एंड। इन कर्व्स को हम कहते हैं गाइड कर्व्स। तो मुझे लॉफ्ट तो करना है बट उसके साथ मुझे क्या चाहिए, गाइड कर्व्स चाहिए। और गाइड कर्व्स बनाने के लिए प्लेन ऐसा लेना पड़ेगा जो दोनों प्रोफाइल से क्रॉस होके जाए, जो कि टॉप नहीं है। मैं साइड को देखता हूँ, क्या साइड से दोनों प्रोफाइल जा रही है क्रॉस हो गए या नहीं? ये तो जा रही है, अली नहीं आ पा रही। साइड प्लेन पे भी नहीं स्केच करेंगे, फ्रंट जा रही है। तो फ्रंट प्लेन पे राइट क्लिक करके स्केच किया, स्प्लाइन ली। कहाँ से लेना है ध्यान से, इसके एकदम एंड वर्टेक्स से लिया और इसके एंड वर्टेक्स से लिया, स्केप कर दिया। ये आ गया, इसके पॉइंटर को पकड़ के वर्टिकल किया मैंने यहाँ से, इसके पॉइंटर को पकड़ के भी वर्टिकल कर दिया। शेप आ गया। इसके पॉइंटर्स को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगेन वापस से स्पेशल लाइन पे गए, एंड टू एंड बना दिया, वर्टिकल किया इसको, इसको भी वर्टिकल, इसको भी वर्टिकल। हो गया, यहाँ से एग्जिट किया, बाहर क्लिक करते हैं। अब क्या करना है इनको आपस में, लॉफ्ट लॉफ्ट लॉफ्ट। पहले प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, दूसरे प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, इनको आपस में कनेक्ट मत कर देना। गाइड्स को, गाइड ओपन होने चाहिए। कभी आप इनको मिला दोगे ना आपस में, जैसे ये गाइड वाला स्केच जो है इसमें यहाँ से मिला मत देना आप, तो एरर हो जाएगा। गाइड्स पर गए, एक गाइड एक को सिलेक्ट किया क्योंकि एक ही स्केच के अंदर बने हुए, तो पूछता है क्या जो सिलेक्ट किया वो ठीक है, आप ओके कर दो। अब यहाँ ध्यान से देखो, येलो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा? फॉलो हो रहा है। दूसरे को सिलेक्ट किया हमने, ओके कर दिया, आ गया प्रॉपर? नहीं नहीं सर, मैं कंट्रोल दबा के रखा। नहीं नहीं ओके, ऐसे सिलेक्ट किया, यस कर दिया। हां नीचे से फ्लैट लगा दिया 5 का, ये भी हो गया। साइड फेस पे स्केच पे गए, रेक्टेंगल लिया, कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, कितने का गैप है? और ये कितना है? 100। ये कितना है? 35। तो रेक्टेंगल जो बनाया था इसके ऊपर से ये दे दिया हमने, कितनी है? ये कितना है? 100। ओके, एग्जिट किया इसको, एक्सट्रूड कट किया, गया शेल पे गए, ऊपर वाला फेस हटा दिया,
गया पूरा आईफोन में, बताइए बन जाएगा? क्योंकि हॉलो करना था तो हॉलो करने के लिए हमने क्या किया, शेल कमांड। शेल कमांड में अगर आप हॉलो कर रहे हो, हाँ एक चीज याद रखिएगा, मैं शेल पे जा रहा हूँ, मैंने थिकनेस बताई और मैंने डायरेक्ट ओके कर दिया, नहीं शेल हो गया, लेकिन क्योंकि हम आउटर देख रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा कि अंदर से हॉलो हुआ या नहीं हुआ, तो आउटर वो देखने के लिए आपको यहाँ से इसका सेक्शन कट करना पड़ेगा, ठीक है? और मुझे ऊपर से हॉलो चाहिए ही होगा पोर करने के लिए, तो आपको बाद में सर्किल बना के उसको कट करना पड़ेगा, उससे बेटर है शेल कमांड के अंदर ही यहाँ पे ऑप्शन होता है फेस टू रिमूव का, जो चीज़ नहीं चाहिए उस फेस को सेलेक्ट कर दो, आप सेलेक्ट करके ओके कर दो, नहीं उसी टाइम शेल कर देता है। अच्छा डिलीट कर देना पड़ेगा, देखो सॉलिड आ रहा है पूरा, शेल कमांड पे गए, थिकनेस बतानी है, फेस टू रिमूव पे जाके फेस को सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। सर एक आपसे डाउट पूछना था, जब जब हम मिरर कमांड